ये कहना गलत नहीं होगा कि एथर एनर्जी ने इंडिया में प्रीमियम ई स्कूटर मार्केट स्टार्ट किया था, और अब 4 साल बाद एथर एनर्जी लाया है ये 450X जनरेशन 3। क्या लाया है एथर 450X जनरेशन 3 में? ये नए मिरर्स, न्यू टायर्स और कुछ नए एक्सेसरीज। यहाँ कोई नया कलर या कोई भी डिजाइन अपग्रेड नहीं मिलता, पर एथर का फोकस कभी ये था ही नहीं, बल्कि एथर कुछ और अहम चीजों पे इस बार फोकस कर रहा है। इनमें से सबसे अहम चीज है बैटरी। जी हाँ, एथर ने फाइनली एक बड़ी बैटरी यूज की है अपने अपडेटेड स्कूटर में, और इसकी रेंज है 105 किलोमीटर। हालांकि ये क्लेम्ड रेंज है, पर एथर की हिस्ट्री देखते हुए क्लेम नंबर और असलियत में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। पर ये रेंज ना तो ओला S1 प्रो या सिंपल वन के करीब है, और ना ही एथर ने इसके मोटर को अपग्रेड किया है। पर इस वजह से एथर अब कुछ चीजें पहले से थोड़ी बेटर करती है, जैसे कि इसका वॉप मोड। अब आप इस मोड में स्कूटर को ज्यादा समय तक चला सकते हो, और इससे बैटरी को भी स्ट्रेस नहीं होगा, जिससे बैटरी लाइफ अच्छी होगी। पर क्योंकि हमने ये स्कूटर हमारे टेस्टिंग एनवायरमेंट के बाहर चलाया है, हम इसके बारे में विस्तार से आपको एक प्रॉपर रोड टेस्ट के दौरान ही बता पाएंगे। एथर ने अब MRF के साथ मिलकर एक नया टायर बनाया है, जो एथर की कॉर्नरिंग इम्प्रूव करेगा, और एथर का दावा है कि बारिश में भी इससे ज्यादा ग्रिप मिलेगी। हालांकि हम उसे बारिश में नहीं टेस्ट कर पाए, इन टायर्स ने वाकई काफी डिफरेंस लाया है स्कूटर के राइडिंग एक्सपीरियंस में। राउंड प्रोफाइल के वजह से अब कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है, और राइड क्वालिटी भी बेहतर हो गई है। एथर ने अब अपने 7-inch टच स्क्रीन कंसोल को अपडेट किया है बड़े रैम और ज्यादा मेमोरी के साथ। हालांकि अभी एथर ने इसमें कोई न्यू फीचर्स तो ऐड नहीं किए हैं, पर इस अपग्रेड की वजह से अब वॉइस कमांड, ऑफलाइन मैप्स, बेहतर डायग्नोस्टिक्स और अच्छे ग्राफिक्स की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि एथर ने कोई बड़े परफॉर्मेंस चेंजेस तो नहीं लाए हैं, बट कंपनी ने एक्सेसरीज के तौर पर एक साइड फुटरेस्ट और 2 नए लगेज ऑप्शंस दिए हैं। पर एथर अभी इन्हें लॉन्च नहीं कर रहा है, और ये आपको मार्केट में कुछ महीनों बाद दिखेंगे। एथर ने भले ही इस अपडेट के साथ कोई परफॉर्मेंस या फीचर्स नहीं लाए जो इसे कंपटीशन से टक्कर दे सके, पर एथर कभी नंबर्स गेम में था ही नहीं। पर क्या एथर एनर्जी ने एक बेहतर स्कूटर बनाया है? बेशक, ये नए टायर्स और बड़ा बैटरी पैक इस स्कूटर का राइडिंग एक्सपीरियंस और उम्दा बनाते हैं। पर एथर एनर्जी से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस थे इस अपडेट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।